तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सबका फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त नदीम खान। तो आज मैं लेके आया हूँ अपनी V3 के लिए कुछ बहुत यूनिक से आइटम। तो आज मैं लेके आया हूँ उसके लिए मॉक्सी के लीवर लाए, जो फोल्डेबल और फुल एडजस्टेबल लीवर है, और साथ में लाया जो उसका फ्रंट मास्टर सिलेंडर होता है उसके ऊपर का ऑयल कैप। तो मैं दिखाता हूँ उसको आपको किस तरीके की मेरी उसकी क्वालिटी और कितना कुछ है। तो गाइस एक चीज़ और आप कहना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करना। तो मैं दिखाता हूँ आपको ना V3 का आइटम, आपको क्या क्या मैं अपनी बाइक में लगाऊंगा। तो देखिए इसकी क्वालिटी अब कैसी है कैसे नहीं है। सिल्वर कलर के लीवर जो देख सकते हो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, और ये एडजस्टेबल लीवर है गाइस। तो अब ये है मेरे पास एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल लीवर देख सकते हो, ब्लैक और गोल्डन जो मैंने आपको बताया था। तो इनकी क्वालिटी बहुत नहीं बहुत औसम है, और इसका लुक वाइज भी बहुत प्यारे हैं गाइस ये। और ये फोल्डेबल हैं, और देख सकते हो गोल्ड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर है। और आप इसकी क्वालिटी चेक करोगे और फिर बाइक में जब लगेंगे उसके बाद में आप इसको चेक करना कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त है ये। और बहुत लाइट वेट के अंदर है ये, नहीं काफ़ी हैवी वेट के अंदर है। तो अब मैं दिखाऊँगा आपको क्या कहते हैं मास्टर सिलेंडर कैप जो है मैंने आपको बताया था। तो आप तो लीवर देख ही लिए कि किस टाइप के हैं, तो अब साथ में दिखाता हूँ मास्टर सिलेंडर कैप इसकी। तो देख सकते हो आप, ये मास्टर सिलेंडर कैप है, देख सकते हो गोल्डन और ब्लैक कलर की है। जो ब्लैक वाला पार्ट्स है इसका ये हट जाता है ऊपर से, और जब लगाना में फिट करना होता है तो उसके बाद में ये लग जाता है गाइस। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या कहते हैं इसके साथ में ये अपना लीवर प्रोटेक्टर है, देख सकते हो। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये कार्बन फिनिश के अंदर है, कार्बन और गोल्ड के अंदर। तो देख सकते हो आप इसको क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो ये अपनी बाइक के अंदर लगाएंगे हम, और ये साथ में अपना एक दूसरा पार्ट है, ये भी अपना लीवर गार्ड है। तो उसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कैसा है। तो ये अपनी R15, तो देख सकते हो ये R15 है अपनी, हमने इसके अंदर लगाया था हजार्ड फ्लैशर लगाया था, जिसका बटन हमने ऊपर लगा रखा है, और ये साथ में लगा रखा था क्रैश गार्ड, और साथ में देख रहे हो इसमें हमने लगा रखे सिमटेक के बल्ब। तो देख सकते हो आप, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा ऊपर के 10 नंबर की MM की है टी लेनी है, तो उससे हमें खोल देना, और यहाँ पर अपना स्क्रू ड्राइवर से इसको रिमूव कर लेंगे दोनों स्क्रू जो हैं इसके। तो उसके बाद में लगा के और यहाँ से इसको 10 mm की टी से हम इसको खोलते हैं गाइस। तो गाइस ये देख सकते हो अपना ये लग चुका है मास्टर सिलेंडर कैप, और ये अपना लग चुका है मॉक्सी का लीवर फोल्डेबल। देख सकते हो आप उसकी क्वालिटी वाइज कितना अच्छा और कितना अच्छा वर्क कर रहा है, और देख सकते हो एडजस्टिंग के साथ में अपना बाइक गिरती है तो फोल्ड भी हो जाता है, ये ब्रेकिंग वगैरह सब इससे बहुत अच्छी रहती है। और ये देख सकते हो आप ये कलर साइड का है अपना, तो उसका लुक वाइज भी आप देख सकते हो कितना अच्छा और कितना प्रॉपर अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि इससे के बाद में लगने के बाद में आपका लुक जो है बहुत औसम हो जाएगा। और इसमें एडजस्टिंग है, आप आराम से स्टार्ट होती है गाड़ी। कई बंदे सवाल करते हैं कि भाई आपकी गाड़ी मतलब क्लच में इसमें स्टार्ट होगी नहीं होगी गियर में, मगर ऐसा कुछ नहीं है, गियर में अपनी गाड़ी आराम से स्टार्ट होती है। तो देख सकते हो अपना ये अपना स्लाइडर भी आपने देखे कितना अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, और ये एडजस्टेबल होते हैं फुल के फुल, और ये लगाते हैं आपके अपने इसके अंदर अपना लीवर गार्ड। तो देखा आपने लीवर गार्ड कैसे लग रहे हैं, और इसका लुक वाइज आप देख सकते हो क्वालिटी वाइज कितना अच्छे लग रहे हो, और कितना प्रीमियम लुक आ रहा है इसके अंदर, और इसका कॉम्बिनेशन देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है, ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन। ये स्लाइडर देख सकते हो आप, ये पूरा एक्सेसरीज अभी जो लग रही है अपनी बाइक के अंदर बिल्कुल ऑसम है एकदम, और अच्छे तरीके से काम कर रहा है हर चीज़ का, ये एक्सीलेटर वगैरह सब कुछ कहीं मतलब कि जाम नहीं हो रहा किसी तरीके का। तो आप देख सकते हो हमने 3 चीज़ें लगाई हैं इसके अंदर। तो आप थोड़ा सा इसके शॉट्स आप इन्जॉय कीजिए, देखिए आप कैसे आपको लग रहा है इसको, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा आपको लगा ये सारी चीज़ें। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से मैंने अपनी बाइक के अंदर लगाया ये सामान, बहुत आसान तरीका था लगाने के लिए। देखा मैंने 10 नंबर का एक वो क्या कहते गोटी लिया था, और एक 10 नंबर का अपना स्पैनर लिया था, तो जिसकी मदद से मैंने उसको लगाया, और साथ में लिया था एक स्क्रू ड्राइवर, तो बहुत आसानी से मैंने उसको लगा दिया है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय।